हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अल्टर आइडियाज बाय प्रिया। टुडे आई एम शेयरिंग किड्स स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरी डॉटर की स्टडी टेबल है, तो ये मैसी हो रखी है, तो सबसे पहले हम इसे क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मेरी डॉटर खुद अपने टेबल को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो यहाँ पर उसने अपने चार्ट, प्रिंटेड पेपर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखे हैं इस बॉक्स में, और ये बुक रख रही है इस मैगज़ीन होल्डर में, जो कि मैंने DIY किया है कार्डबोर्ड बॉक्स से। तो मैगज़ीन होल्डर में उसने अपनी सारी स्कूल बुक्स रख ली हैं, जो कि उसे डेली फ्रिक्वेंटली यूज़ में आती है, तो डेस्क पर रखने की वजह से उसे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वो पेन स्टैंड रख रही है, जो कि उसने खुद बनाया है। तो यहाँ पर एक प्लांट ऐड कर रहे हैं साइकिल स्टैंड पर, जिससे कि रिफ्रेश माइंड रहे। प्लांट ऐड करने से कोई भी जगह की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये इसका ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र का सबसे लास्ट शेल्फ है, जिसमें उसने अपनी ड्राइंग बुक्स, कॉपीज वगैरह रखी हुई है। उसने अपने नेक्स्ट ड्रॉअर में कुछ कॉपीज़ रखी हुई हैं, डायरीज़ रखी हुई हैं, जो कि वो कभी कभी यूज़ करती है। इस ड्रॉअर में उसने अपनी नोटबुक्स रखी हैं स्कूल की। तो उसके बाद वाले ड्रॉअर में उसने अपने आर्ट सप्लाइज रखे हुए हैं, जिसमें कलर, पेंसिल, स्केच वगैरह सब रखे हुए हैं। तो इस ड्रॉअर में उसने अपने पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, सीजर्स, स्केल्स वगैरह, डायरीज वगैरह रखी हुई है कुछ। ड्रॉअर में मेरी सारी ज़रूरत के सामान रहते हैं, पेन ड्राइव, डेटा केबल, पेंस, क्वाइंस, जो कि मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं।
तो इस ऑर्गेनाइज़र के टॉप पर मेरी बुक्स, मैगज़ीन्स हैं और डायरीज़ वगैरह रहती हैं। तो चेयर की सीट पर मैंने कुशन रखा है जिससे कि कंफर्टेबली बैठा जा सके। टेबल के नीचे एक शेल्फ है जिसमें मेरी बेटी ने अपना डोम्स कलर सेट को रखा हुआ है। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.